इस तरीके से मतलब अच्छे से भूनते हैं। कच्चा गेहूं होता है, मतलब कच्चा मतलब सी सब्जी की बना दी है अनीता ने सब्जी। अच्छा तो इस तरीके से इसके छिलके अलग अलग करे जाते हैं। खरीदी हो गया ना सब्जी? हो गया यार, हो गया। आप लोग कहाँ पे निकालते थे? यहीं पे। अच्छा अच्छा बस 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 ठीक है। अरे बस कल से मैं लेते ही रह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो रिवाज है, वो रिवाज है भाई, वो कोई वो नहीं, वो रिवाज है। सो उत्तरकाशी में पहला दिन है रविंदर भाई के घर पे, तो कल शाम को तो नहीं, रात को बोलेंगे कि रात को पहुँचे थे लगभग 8-9 बजे के राउंड में, और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट करने की तैयारी हो रही है। उससे पहले पिठाई लगी थी, तो जैसे कि पहाड़ों का रिवाज ही होता है, मतलब घर पे ना कोई अगर गेस्ट आते हैं, मेहमान, जैसे कोई पहली बार आता है घर पे, तो पिठाई ये सब चीज़ें लगाई जाती है खाने से पहले। अभी ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद में हम निकलने वाले हैं थोड़ा आसपास के एरिया में घूमने के लिए, और साथ में वीडियो भी अपलोड करके आएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में अभी हम लोग निकल रहे हैं दरअसल थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और एक अच्छी सी जगह पर जहाँ पर कि अच्छी तरीके से नेटवर्क आते हो। तो भाई पीछे से बाइक लेके आ रहे हैं, दरअसल बाइक उन्हीं के घर तक जाती है, और अभी के टाइम पर थोड़ा सा सांसें भी फूल रही। कल तक तो ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इतना लंबा ट्रैक करने के बाद में ना आज इस चढ़ाई पे थोड़ा सा थकावट सी फील हो रही है। तो जब तक भाई वहाँ से बाइक लेके आता ना, तो घर दरअसल ये आपको दिखाई दे रहा होगा पेड़ों के बीच में, तो वो वाला है, और साथ में यहाँ पर माता का मंदिर, काली माता का है या दुर्गा माता का इसका कन्फ्यूज़न है, लेकिन मंदिर भाई बहुत प्यारा बना रखा है। तो चलते हैं, रोड की तरफ बढ़ता हूँ, रोड पर इंतज़ार करता हूँ भाई के आने का। पहुँच गया भाई इस पतले से रास्ते पे बाइक लेके, बाकी जगह भाई बहुत प्यारी है। उत्तरकाशी में पहली बार आए, क्या कुछ दिक्कत लग रही है? नहीं, चलो। गांव से चले थे और अभी आके पहुंचे हैं खुरगोला गांव के सामने, जो आपको ऊपर में पूरा ये बड़ा सा गांव दिखाई दे रहा है, ये है खुरगोला गांव। शायद एक ही गांव नहीं है, शायद एक दो गांव और होंगे मे भी। और अभी हम जिस जगह पर आके रुके ना, ये रास्ता जाता है, यानी कि ये जो मेरे पीछे आपको रोड दिखाई दे रही है, ये वाली निकलती है सीधा सेम नागराज की तरफ में। वैसे सेम नागराज आप में से कई लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस प्लेस है। तो ये वाली निकलती है भाई खुरगोला की साइड से होते हुए निकलती है सेम नागराज की तरफ में। आखिरी बोला सेम नागराज ही स्टॉप है इस रोड का। और जो नीचे में आपको रोडे दिखाई दे रही है, ये जा रही है आपकी केदारनाथ साइड को, और यही वाला रूट है जो एक और चारधाम वाला रूट है, यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री अगर आपको जाना है तो इसी रूट से होते हुए जाना पड़ेगा। तो बाकी जगह की बात करें तो जगह काफ़ी प्यारी है, काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा है ना, गांव की तरफ में नेटवर्क है लेकिन वो स्पीड नहीं है मतलब नेट की, तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे। तो यहाँ पर आए हुए भी हमें लगभग 1 घंटे के लगभग हो चुका है, या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है। तो अभी यहाँ से अपलोड करने के बाद में आप निकलते हैं घर की तरफ। कल कहाँ का प्लान होगा भाई? देखते हैं, शायद गंगोत्री जा सकते हैं। हाँ, तो गंगोत्री के भी इस बार हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। गोमुख तो नहीं जाने वाला है, गंगोत्री तक सिर्फ ना, तो गंगोत्री तक दर्शन कराएंगे भाई। धौंतरी की मार्केट में पहुंच चुके हैं भाई, गांव और मार्केट एक ही साथ है दरअसल। तो धौंतरी गांव इस बारी जो भी है आपको अच्छे से हम दिखाने वाले हैं, बड़ा मज़ेदार जगह है। तो अभी हम मार्केट में पहुँचे हैं दरअसल, तो धौंतरी गाँव के मार्केट में बैठे हैं, और यहाँ पर ऑर्डर किया था गर्मा गर्म सूप रविंदर भाई के टेस्ट का, इस बारी देखते हैं। बाकी जो गांव है ना उसे दिखाते रहेंगे आपको थोड़ी देर में, मतलब अभी थोड़ी देर में नीचे ही जाने वाले घर पे, तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे गांव, घुमाएंगे। गांव की लोकेशन है ना, साथ में जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है मार्केट है, दरअसल मार्केट भी काफ़ी बड़ी है और गाँव भी साथ में काफ़ी बड़ा है। तो अभी ऐसे करते हैं, पहले सूप टेस्ट करते, कैसा हो रहा भाई? अच्छा हो रहा है, बढ़िया। गर्मा गर्म है तो गले को भी सुकून देगा, थोड़ा गले में भी हल्का हल्का ना पेन सा हो रहा है। तो सूप पीने के बाद में अब चल रहे हैं घर, यानी कि घर की ओर निकल रहे हैं। हमारा यहाँ से जो प्लान है ना आगे का, वो है गंगोत्री की साइड में जाने का। तो अभी आज का पहले देखते हैं क्या होता है, मतलब कैसे कंफर्म होता है क्या होता है, अदरवाइज़ कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। तो जो भी है मज़ेदार होने वाला है, इस बार आपको गंगोत्री के भी दर्शन होने वाले हैं। बाकी जो गाँव है ना, गाँव काफ़ी बड़ा और प्यारा सा है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त। तो ये है पहाड़ी भाई का घर,
मार्केट से सीधा घर पे पहुंचे थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, यानी कि लगभग 1.5-2 घंटे की नींद ली। उसके बाद जैसे ही उठे ना, दिन के लगभग 3:30-4 बज गए भाई, बहुत ज़्यादा थकावट लगी थी। और अब जाके थोड़ा बहुत मतलब सुकून मिल भी रहा है ना शरीर को, एकदम से ऐसा लग रहा है एनर्जी रिचार्ज हो गई है। तो अभी खाने का टाइम है, यानी कि वैसे खाने का टाइम मतलब ताइयोरों ने थका दिया, हम लोग दरअसल नींद में थे, तो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि जब इंसान थका हो और नींद में हो तो उसे नहीं उठाना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो एकदम से आँख दर्द करना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो अभी ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं। और खाना किसने बनाया, ताई ने अनीता ने? अनीता ने। तो अनीता वहाँ पर है, अनीता छोटी बहन होगी मतलब, जो कि 12th में अभी पढ़ती है ना, तो उससे भी मिलाएंगे अभी। उससे पहले ऐसा करते हैं खाना खाते हैं, यानी कि टाइम से निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद में आज प्लान करते हैं कहीं का। खाना खाने के बाद में जैसे ही बाहर आए तो यहाँ पर लगी है बारिश। बारिश को लगभग 10-1 मिनट वैसे हो चुके हैं, तेज़ बारिश तो नहीं है लेकिन हल्की फुल्की मतलब ठीक ठाक बारिश है, मौसम को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। तो सच में अभी के टाइम पर धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया है, और तबीयत ख़राब ना हो इसलिए अपन ने भी जैकेट पहन के बिल्कुल रेडी कर दिया भाई। बाकी साथ में ताई जी वहाँ पर देख रही हैं वीडियोस रविंद्र भाई की, जैसे कि अपनी मम्मी देखती है वीडियो अलग से फ़ोन पे ना। और साथ में मौसम के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत। अभी 4 बज रहे हैं शाम के, खाना खाने के बाद में अनीता यानी कि छोटी बहन जल्दी से खाना खाने के बाद में चाय भी लेकर आ गई भाई, मतलब एक चीज़ नहीं पचने दे रही है, दूसरी चीज़ फटाफट से लेके आओ, फटाफट से निकलो है। तो ये जो चाय बनी है ना, खुशबूदार बनी है, बढ़िया। कुछ कहना है? तो आज दरअसल ना स्कूल की छुट्टी है, दरअसल तो संडे है ना, तो संडे के दिन पर स्कूल ओबीसी बातें ऑफ रहता है, तो इसलिए बहन देख नहीं पा रही है, अदरवाइज स्कूल पर रहना था। तो ट्वेल्थ में है ना अभी के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का जोर पड़ता ही है, तो आज संडे है इसलिए भाई टाइम से खाना पीना ही मिल रहा है भाई, वो भी अनीता बहन के हाथों का। बाकी ताई यहाँ पे आराम से रविंद्र भाई की वीडियो देखते हुए चाय का लुफ्त उठा रही है। अभी तक तो हल्की फुल्की बारिश थी, तो लेकिन अभी थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद में बारिश, देखो बारिश कितनी तेज़ हो गई है। बारिश होने से जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आजकल में वो ये होता है कि खेतों का काम धाम चलता है, यानी कि गेहूं की कटाई चलती है। तो कई जगह पर अभी खेतों में आपको, जैसे ये वाला खेत हो तो इसमें आपको गेहूं दिख जाएंगे, और कई लोग दरअसल जैसे गेहूं काट लेते हैं ना तो उसके बाद दें लेना, ये सब चीज़ें निकालना, ये सब चीज़ें करते हैं, तो इसमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अगर बारिश हो रही है ना तो बारिश की वजह से ओबीसी बात है गीला हो जाएगा ना, तो हर कुछ। आपका विचवन गेहूं, आप लोगों के भी हैं क्या गेहूँ? अच्छा, आप लोग कहाँ पे निकालते थे? यहीं पे? अच्छा, अच्छा। दें करने का जो यहाँ पे भाई मुझे सिंपल सा तरीका लगा, हम लोग तो क्या करते हैं जैसे गेहूं का छोटे छोटे ऊपर वाले बालियां काट के ना फिर उसे डंडे से कूदते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर में वैसे ही पैदल चलो ना, घूमते हैं ना, बैल को घुमाने वाला तो देखा है। और उसमें एक वो भी बोलते कई बार कि फेर भाई मेरा ये काम तेरा, यानी कि बैल को बोला जाता है कि भाई फेर तू, हाँ तो मेरा काम मेरा तो फेर तेरे। अच्छा, हाँ ये भी है, पर हमारे पैसे तो हम खुद करते हैं, खुद करते हैं मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ये लगाओ कि खेती बाड़ी करना भी इतना आसान चीज़ नहीं है भाई, मतलब कि गेहूँ जैसे काट दिया सूख गया उसके बाद में खुद घूमते हैं उसके ऊपर में, तब जाके दाने अलग होते हैं, तो जितना आसान लगता है खेती करना उतना आसान भी नहीं है। और साथ में जो ये वाली पीक्स दिखाई दे रही है जहाँ पर के हल्का फुल्का क्लाउड है, यह है हिमालय। शाम के 6:30 और 6:30 बजे हमारी तैयारी हो रही है मार्केट की तरफ में निकलने की, थोड़ा भाई के साथ में चलते हैं, थोड़ा मार्केट में घूम के आएंगे, साथ में सब्जियाँ लेके आएंगे, तो सब्जी सब्जी ये सब चीज़ें आज भाई सब्जी और पब्जी सेम है भाई। बाकी यहाँ से दरअसल हो क्या रहा था ना कि जब से हम घर पे आए सोकर उठे ना तब से बारिश लगी थी रेगुलर, और अभी जाके बारिश मतलब हल्की फुल्की हो पाई है, मतलब बिल्कुल अभी भी बारिश हो रही है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन बारिश हल्की फुल्की है, यानी कि अभी ऐसा करते हैं इस बारिश जो कम हो रखी है इसका फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं मार्केट और सब्ज़ी लेके आते हैं। बाकी जो गांव मैंने आपको दिखाया था ऊपर से थोड़ा बहुत ना कुछ ये वाला पार्ट है जो हमने कल यहाँ पर, हमारे साथ में एक भाई जी थे ना तो उन्होंने रात के टाइम पर इनवाइट किया था दरअसल खाने को, यानी कि खाना जो डिनर है ना उस पर, तो उस पर भी गए थे हम, मुझे लग रहा है शायद इस वाली साइड में गए थे, वो जो मंदिर है ना मंदिर से थोड़ा सा आगे जा रखे थे।
अच्छा वो क्या है भाई, वो जो सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं डॉट्स? वो यार वो तो पत्थर पत्थर है, मतलब किसी की वो नर्सरी है ना उतरे एरिया में। अच्छा, तो उसने वहाँ पे वो चूना कर रखा उस पत्थरों में ताकि यहाँ से दिख जाए, जब कोई अधिकारी आते तो वहाँ तो जा नहीं पाते हैं। हाँ हाँ। तो वो लोग यहीं से देख लेते हैं कितने एरिया में नर्सरी है। अच्छा, इसलिए उन्होंने पत्थरों पे चूना कर रखा है, पता चल रहा है इतना एरिया में हमारी नर्सरी। तो ये नर्सरी है भाई। और मैं पूरे दिन भर ये सोच रहा था, मैंने कहा शायद किसी का घर है, किसी ने अपनी जमीन को शायद वो सर्कल कर रखा मे भी इस तरीके से। सामने पे एक मकान है, सामने पे मकान है, ये सब चीजें। तो चले चलो। तो मार्केट में पहुंचे हैं भाई सब्जी खरीदने के लिए, धनतोरी धनतोरी मार्केट। थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में हो रहा है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है भाई। बारिश के बाद में जो पहाड़ों का सबसे अच्छी बात यह है कि जो हरियाली है प्लस में घर बने होते हैं उनका निखार है ना, जो अलग ही लेवल पे आता नहीं है। तो बाकी भाई के साथ में हम मार्केट मुर्केट घूमते हैं। दिन के टाइम पर हमने खाए थे यहाँ पे मोमोज और सूप भाई, और एक नंबर बना रखा था भाई ने, भाई मतलब बढ़िया बना रखा है। तो अभी तक थोड़ी बहुत बारिश कम हो गई थी, यानी कि मतलब बारिश ना के बराबर थी। तो अभी फिर से भाई वही बारिश, यानी कि तेज़ बारिश लगना शुरू हो गई है। और जहाँ पर हम सुबह यानी कि दिन के टाइम पर आए थे ना कैफ़े में सूप पीने के लिए, तो वहीं पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा चाय पीते हैं, सूप पीते हैं, उसके बाद में देखते हैं। एक बार थोड़ा सा गले में हल्का सा पेन हो रहा है दरअसल, तो थोड़ा सा अदरक पेस्ट चले जाएगा ना, थोड़ा सा गले को रिलीफ मिल जाएगा मतलब। बाकी थोड़ी देर में सब्जी खरीदेंगे, सब्जी लेकर जाएंगे फिर। तो अभी रुके ना सब्जी की दुकान पर, यानी कि सूप पीने के बाद में सब्जी की दुकान पर आए थे थोड़ा सा सब्जी खरीदने के लिए। तो थोड़ा सब्जी सब्जी लेकर चलते हैं घर पे भाई, क्योंकि मार्केट का तो ये सीन है ना, बारिश हो रही है ये सब चीज़ें हल्की फुल्की, तो मार्केट में घूमना कहीं सेंस नहीं बनाता है। भीग कर कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही छाता लेकर आए हैं, और यहाँ से यमुनोत्री की दूरी है 153, गंगोत्री 139, उत्तरकाशी 39, और घनसाली 26, बूढ़ा केदार 34, और कदम 10 किलोमीटर है लगभग ना। मतलब ये वही वाला रूट है जिससे कि आप गंगोत्री यमुनोत्री जा सकते हैं। तो हो गई सब्जी खरीद दी, हो गया ना सब्जी, हो गया। चलो चलते हैं फिर। अभी दरअसल ना हम पहुंचे हैं घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद में ताई दरअसल यहाँ पर उमी बना रही है। तो उमी खाए हुए दरअसल बहुत टाइम हो गया, और एक बार बता रही हैं कि कहाँ कैसे बनता है। अच्छा ये वाला एक किचन और है, बढ़िया। अच्छा तो ये तरीका है मतलब बनाने का, जो गेहूं की बालियां होती हैं नई। हाँ, तो ये चूल्हा है, चूल्हे में सीधा थोड़ा बहुत पकाते हैं गेहूं की बालियों को। हाँ, तो इस तरीके से मतलब अच्छे से भूनते हैं। कच्चा गेहूं होता है, मतलब कच्चा मतलब थोड़ा एक गीला गीला, मतलब सॉफ्ट होता है, मतलब ये पूरा तरीके से हार्ड नहीं होता है। तो इसी को चूल्हे के अंदर में बनाते हैं, वहाँ पे भूनते हैं, और उसके बाद में हाथों से इसको अच्छे से मसला जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ है मतलब, और ये बहुत हेल्दी चीज़ है भाई। तो इस तरीके से इसके छिलके अलग अलग करे जाते हैं। और पुराने लोगों का दरअसल जो सेहत ताकत ये सब चीज़ है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। बढ़िया, तो एक बार थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं। वैसे हमने बचपन में बहुत खाया दरअसल इसे। अच्छा 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 हाँ हाँ बढ़िया। वैसे अच्छे से सुप, आप यह कुके बोल दे यहाँ को सुपु। अच्छा हाँ हाँ सुपु, हाँ हमारे भूपो बाबा। अच्छा कोई छानो बाबा, कोई क्या के बाबा। हाँ हाँ वो फटकन बाबा, फटको बाबा। ये भी फटकन बाबा। हाँ हमारे भूपो बाबा। एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको, बहुत टाइम हो गया, यानी कि बचपन में तो बहुत खाया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कम से कम 12-15 साल हो चुके हैं जब अब फिर से खा रहे से। पिस दो बाबा ये, पिस दो ये, तब जब भुजा था। हाँ हाँ जब करा रखा था। अच्छा तब भुगोना भारी भारी भाई, बहुत प्यारा टेस्ट है इसका, बहुत प्यारा टेस्ट है। ताई को करने देते हैं इसको, और हम चलते हैं वहां पे। हाँ। मार्केट से सब्जी लेकर आने के बाद में उसी सब्जी की बना दी है अनीता ने सब्जी। क्या
अरे बिहार से ना तो अपनी सब्जी बन के रोटियां बन के तैयार, और साथ में भी घी डालते हैं। घी आप कल लेके आए थे ना वहां से, तो वही वाला घी, आलू वाला घी। अच्छा बनाना? भाई आपको ना थाली सेन लेके जाएंगे, 600 रुपए पर किलो के हिसाब से घी मिलता है, 700 वहाँ, 600 मिलता है। अच्छा वहाँ वो 700 दिया था उसने ये वाला जी भर के। अच्छा मुझे मेरे उसमें मत डालना घी, ठीक है? तुम्हारे प्योर मिलता क्या वहाँ? हाँ प्योर भाई, पिघला हुआ उसी टाइम पे। तो गुरु शुरू, अभी के टाइम पर ऐसा करते हैं कि खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है खाने को। तो अभी ऐसा करते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं, अभी पहले खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं, फिर जो सब्जी के सब्जी बनी है उसको निपटाते हैं। खाना पीना कम्प्लीट, यानी कि रात का डिनर अपना हो चुका है, अभी के टाइम पर आँखें बंद हो रही है, नींद आ रही है। भाई तो सो चुके हैं, दरअसल थोड़ा बहुत ठंडा भी हो गया, और उसकी वजह से ना कहीं मुझे लग रहा थकावट, पता नहीं क्यों अपने आप ही लग रही है। पर कोई दिक्कत नहीं है, सोएंगे तो मुझे लगता है थकावट भी चली जाएगी कल सुबह तक। और कल हमारा प्लान बन रहा है गंगोत्री की तरफ में जाने का, तो देखते हैं कल कितनी सुबह सुबह निकलते हैं। वो सब चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। साथ में जो सब्ज़ी बनी थी, सब्ज़ी काफ़ी मज़ेदार थी भाई। और अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है।